बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आपने कभी ये सोचा है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं? आपका बनाने वाला कौन है? आपने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? तो प्यारे बच्चों, हमने इस दुनिया के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मरने के बाद हर एक को अल्लाह की तरफ लौटना है, मगर खुशकिस्मत वो है जो जिंदगी में अल्लाह की तरफ लौट जाए, अल्लाह को जाने, अपनी जिंदगी का मकसद पाए, अपने रब को जाने। आपको पता है कि कुरान मजीद रब्बे कायनात का तारुफ है। ये किताब अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने इसको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। ये हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद बताती है, हमें अपने रब के बारे में बताती है, हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। तो प्यारे बच्चों, आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं तो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें। मेरा और आपका रब वो है जिसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है। हमें दुआएँ भी उसके मांगनी चाहिए और अपनी हाजतें भी उसके सामने रखनी चाहिए। हम मशकी सवाल कर रहे हैं नज़म टोट पटोट की मोटर कार के। आज हम उसमें करेंगे लकीर लगे अल्फाज के सही मानी मुंतखब करें। टोट बटोट की मोटर कार की शान अलग है। शान का मतलब क्या होता है? अंदाज, कीमत या फिर रंग। टोट बटोट की का मोटर कार की शान अलग है, इसका अंदाज ही अलग है। तो इसका सही मानी है शान का अंदाज। जुमला है, टोट बटोट ने नराली कार खरीदी है। नराली का क्या मानी है? नई, अनोखी, जिस जैसा पहले कोई और चीज नहीं है उसको अनोखा कहते हैं। महंगी, जो बहुत ज्यादा पैसे देके खरीदी गई हो। तो नराली का मानी है टोट बटोट ने नराली कार खरीदी है, अनोखी कार खरीदी है। फातिमा बहुत सियानी है। सियानी किसको कहते हैं? बहुत फुर्तीला, सुस्त, हिलने जुलने से कासिर हो, बहुत ही सुस्त, अकलमंद, जिसका दिमाग अच्छे फैसले करता हो। फातिमा बहुत सियानी है। फातिमा बहुत अकलमंद है। सियाना अकलमंद को कहते हैं। टोट बटोट की कार का अल्लाह बेली है। अल्लाह बेली का क्या मतलब है? बनाने वाला। ये कायनात सारी किसने बनाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हिफाजत करने वाला, हम गार्ड रखते हैं, लेकिन हम में से हर एक चीज जो दुनिया में है उसकी, सब कुछ जो है कायनात के अंदर, उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अल्लाह खुद कहता है कि जो कुछ कायनात आसमान और ज़मीन के अंदर है उसकी मैं हिफाजत करता हूँ, मुझे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। चलाने वाला, जैसे कार जो है वो ड्राइवर चलाता है, तो इस दुनिया का निज़ाम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है। तो टोट पटोट की कार का अल्लाह बेली है का मानी है अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कब्र हमारी पहली मंजिल है, और उसमें हमारे से सवाल किया जाएगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? क्या आप अपने रब को जानते हैं? अपने रब को जाने, इस सवाल का जवाब तैयार करें। इसका जवाब बहुत आसान है। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। आपको सबक पसंद आया होगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।